हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं सिग्रीम बीच पे सवेरे सवेरे, तो देखते हैं इधर का सीन कैसा है। आगे को बहुत अच्छा सीन है, तो देखते हैं वीडियो में। गाइज ये है कैंडल डिनर बोलते हैं जिसको, तो ये नाइट में ही होता है, तो उसके लिए ये बना रखे हैं। और ये है झूला जिस पे हम लोग बैठ के झूल सकते हैं। ये देख सकते हो दो झूला है, एक झूला है और एक में ऐसे सीढ़ी टाइप का है। और ये छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए है। और ये है अपना सेक जहाँ पे लोग शायद सीजन टू सीज़न आते हैं। और यहाँ पे क्या रहते हैं कि घूमने के लिए जो टूरिस्ट लोग आते हैं, 6 महीना होता है और 6 महीना यहाँ पे बारिश होता है। और अभी का मौसम देख सकते हो कितना मस्त हो रहा है यहाँ पे। और आगे जो दिख रहे हैं आप लोगों को, वो आगे यहाँ पे जो है वो है ताज गोवा, ये सिग्रीम बीच से थोड़ा सा आगे को दिख रहे हैं। और ये देख सकते हो झूलने के लिए कितना मस्त चेयर है। और ये बार, यहाँ पे बार रेस्टोरेंट सब कुछ है इधर। और ये देख सकते हो सैंड बेड जिस पे हम लोग सोते हैं, जैसे कि वो रहते हैं धूप वूप रहते हैं तो उसके लिए छतरी हतरी भी है। और ये गद्दे हैं। और देख सकते हो बीच का नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। और ये पता नहीं टेबल नंबर है शायद, टेबल नंबर जो कि कस्टमर आते हैं तो लोगों को जैसे कौन से टेबल पे क्या ऑर्डर है ये चीज़ों के लिए होगा शायद भी। और ये देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। और आगे भी देख सकते हो ये भी कैंडल डिनर के लिए। और ये देख सकते हो सूर्य यहाँ पे उल्टा दिखते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो सूर्य यहाँ पे है, अभी बीच इधर पे है तो उल्टा टाइप का लगता है यहाँ पे। और देख सकते हो कितने लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, कितना सुबह के टाइम पे कितना प्यारा सा लग रहा है। और ये देख सकते हो अपना सामान वामान ऐसे रखते हैं तो नहाने के लिए लोग नीचे को चले जाते हैं। सुबह के टाइम पे उतना भीड़ तो नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा थोड़ा सा है ही फिलहाल। और ये देख सकते हो आगे बहुत सारे हैं, तो जितना बीच पे हम लोग उधर को जाते रहेंगे उतना ये जैसे कि सेके वो बहुत सारी चीज़ें मिलते रहेंगे। और ये गोवा बीच का सीन देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। और आगे शायद ये एक चीज़ दिखेगा नहीं, आगे नाव है, ये जो है लाइन पे लगे रहते हैं और ये जहाँ भी चलते रहते हैं वो देख सकते हो। और एक और ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये जो बहुत तेज़ी से आ रहा है, पता नहीं ये चीज़ क्या है, अभी तो डूब गए हैं पता नहीं कहाँ गया। और ये देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है अभी। और सूर्य अभी दिख नहीं रहा था, अभी देख सकते हो थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो ये उल्टा दिखता है यहाँ से सूर्य, ऐसे इधर सूर्य है इधर समुद्र है। और इधर से देख सकते हो कितने लोग हैं, हम लोग जितना बीच पे जाते रहेंगे उतना ही ऐसा से कि वो सब दिखते रहे हैं, तो देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। और वैसे घूमने के लिए गोवा में अगर जाने हैं तो बहुत सारे जगह हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है, ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आता है घूमने के लिए। और देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है अभी सुबह के टाइम पे, खासकर सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ज़्यादा धूप भी नहीं है वो भी नहीं है तो लोग भी कम रहते हैं। तो और ये देख सकते हो इतना मस्त लग रहा है, लोग भी ज़्यादा नहीं है, शायद धूप भी आने वाला है, बादलों से ढका हुआ है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। गाइस ये है सैंड बेड जिस पे हम लोग सोते हैं, जैसे कि कोई भी कस्टमर आता है तो ये बेड सोने के लिए देते हैं, इसका भी चार्ज लगता है। और ये छतरी देख सकते हो, छतरी में जैसे कि धूप ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो तब के लिए है। और गोवा बीच का नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है।
और ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। गाइस ये है कैंडल डिनर के लिए जो बनाया हम लोगों ने, तो ये देख सकते हो कितना प्यार अच्छा लग रहा है इधर पे। और यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं कांडोलिम बीच तक, तो जहाँ भी हम लोग इससे जाते रहेंगे उतना इधर दिखता रहेगा दिखता रहेगा, क्योंकि अभी सीज़न चालू है गोवा का साइड में, तो बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए। अभी कितना प्यारा लग रहा है देख सकते हो। ये सीज़न शायद लिए 6 मंथ ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो तभी ऐसे खेत चालू होता है। और यहाँ पर बारिश भी बहुत होता है क्योंकि 6 मंथ को यहाँ बारिश ही रहता है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त लग रहा है बीच। और हम लोग चलने वाले हैं अभी कांडोलिम बीच तक, तो इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर।